Hello friends, I am Hunan sir. I have worked in the many tuition classes in the Ahmedabad city. Today, this is my first video on my YouTube channel, and the first topic of my YouTube channel is the cell, the unit of life. As you all know friends, that the cell is the common chapter for the standard 6, 7, 8 and 9. So this is the common video for all of the students. So guys, now I am starting the video. The cell. As we know, the cell is the unit of life, as the name suggests, the unit of life. Now let's go to the definition of the cell. So friends, the cell, the definition of the cell is the structural and the functional unit of life. Once again, the structural and the functional unit of life is called cell, right? Cell. अब आप समझ चुके होंगे कि structural and the functional unit of life is called cell. Now, अब cell को समझने के लिए हम एक easy example लेते हैं. So, let's start with the example. हम यहाँ पर एक लेते हैं एक छोटा सा brick, right? अब brick तो आप जानते होंगे एक ईंट, right? So, ईंट. अगर हम एक ईंट लेते हैं तो वो होती है एक unit. A simple unit is known as a single brick. Now, when we join all the bricks together, they form a structure and that is called as a wall, right? This is a single A brick, this is B, this is C and this is D. This is the group of bricks which forms a wall, right? So, अब देखते हैं अभी ऐसे ही अब ये brick है, तो जैसे ये wall बनी, अब brick के जगह पर हम ले लेते हैं as a cell. अब cell लेते हैं, single cell. Will be the unit, right? Now, the group of cells will form the body of living organisms, right? Now, we can say that the cell is the basic component of all living organisms. Once again, the cell is the basic component of any living organism. अगर cell नहीं होगा तो कभी भी human body form नहीं होगी, right? अब अपने जानने की इच्छा होगी कि अभी cell आया तो आया कहाँ से और discover किया तो किया किसने? Now let's start the who discovered cell. In 1665, the scientist named Robert Hooke discovered cell. In 1665, Robert Hooke discovered cell. The scientist name was the Robert Hooke who discovered cell from the cork. उसने cork के अंदर से cell discover किया. कब किया? In 1665. अब उसने structure देखा तो उसने देखा कैसे? उसके पास इतनी high technology तो थी नहीं. 1665 में उतनी high technology के microscope तो मिलते नहीं थे. तो उसने एक simple microscope की help से उसने cell observe किया. वो भी cork में से. और उसका स्ट्रक्चर था एक हनीकॉम जैसा. कैसा? एक हनीकॉम जैसा, राइट? तो हनीकॉम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. उसने एक छोटे छोटे जो ये होते हैं, ये उसको उसने नाम दे दिया. क्या नाम दे दिया? उसने नाम दे दिया सेल, राइट? अब सेल, अब उसको सेल उसने कहाँ से वर्ड उठाया? सेल इज अ लैटिन वर्ड. अब लैटिन वर्ड सेल का मतलब है अ स्मॉल रूम, मतलब एक छोटा सा कमरा, राइट? स्मॉल और अ लिटल रूम, वो लैटिन वर्ड है. अब ये तो हो गया. नाउ लेट्स स्टार्ट, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम सेल को देखने के लिए. एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. हमने लिया एक ऑनियन. क्या लिया? ऑनियन पिल. अब उसके अंदर हमें सेल्स देखने हैं तो हम अभी हाई टेक्नोलॉजी के माइक्रोस्कोप हमें मिलते हैं, जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप तो पहले से ही थे, राइट? अभी हमारे कॉलेजेस और स्कूल में वी कैन फाउंड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन अ इजी वे. अब हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या देखना है? सेल्स देखने हैं. तो सेल्स कहाँ देखने को मिलेंगे? एक सीधा साधा, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई खर्चे बिना का एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है. घर से एक ऑनियन लाओ, उसको थोड़ा सा छीलो और एक पतला सा उसके अंदर से पिल निकालो और स्लाइड के अंदर रख दो. स्लाइड को कवर स्लिप से ढको, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसको रखो. अब उसको हमें देखने क्या मिलेगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. अब ये सेल्स कुछ इस तरह से दिखेंगे हमें, कुछ इस तरह से हमें ये सेल्स दिखेंगे. अब ऑनियन क्या है? ऑनियन एक प्लांट है.
तो प्लांट के अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज अ सेल वॉल। तो ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा वी कॉल्ड इज एज अ सेल वॉल। और ये हमें जो डेंस मटेरियल बीच में, हर एक सेल में से जो डेंस मटेरियल दिखने मिलता है वो होता है न्यूक्लियस ऑफ सेल, राइट। ये हो गया सेल वॉल, ये हो गया न्यूक्लियस। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप घर से ऑनियन ले जाकर अपने स्कूल में परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक सिंपल, एक एक्स्ट्रा डोज, मतलब एक एक्स्ट्रा नॉलेज वाली बात। अगर हमारे अंदर हमें सेल्स देखने हैं तो हम, हमारे अंदर कितने सेल्स होंगे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं? वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि हमारे अंदर कितने सेल्स होते हैं। सो हमारे अंदर होते हैं 10^13 to 10^14 सेल्स इन द एवरेज ह्यूमन मैन। इतने तरह के सेल्स, इतने मतलब इतनी क्वांटिटी के सेल्स हमारे सिर्फ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो ये था मेरा फर्स्ट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, आगे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।